प्यार थोड़े होता है कि आज मौसम की अजीब बात है ना, इतनी सुंदर सजा है महफिल, ये कहना चाहूंगा कि आज मौसम की अलग ही बात है, बेकाबू सा ख्यालात है। आज मौसम में कुछ अलग ही बात है, बेकाबू सा मेरे ख्यालात है। दिल करता है कि आपको आप ही से चुरा लूं, दिल करता है कि आपको आप ही से चुरा लूं, लेकिन हमार माई कहता है चोरी करना गलत बात है। सही कह रहे हैं, ये कह रहा है मुस्कुराना तो हर लड़कियों की अदा है, और जो इसे प्यार समझे वो सबसे बड़ा गधा है। तो सुनो, आज जिसे तुम गधा कह रही हो वही एक दिन तुम्हारा मांग सजाएगा। आज जिसे तुम गधा कह रही हो एक दिन वही तुम्हारा मांग सजाएगा, अपने छोटे छोटे बच्चों का अम्मा तुम्हें बनाएगा, फिर आधार कार्ड पर नाम कैसे चेंज करवाओगी, फिर आधार कार्ड पर नाम कैसे चेंज करवाओगी, तुम भी तो इसी गधा की गधी कहलाओगी। आप इनका देखे होंगे बहुत सारा शेरो शायरी वीडियो, कुछ हो जाए कहीं मस्ती हो जाए हो जाए। अभी देखिए हम दोनों भाई बीच में बात कर रहे थे, बीच में कैसे टपक गए। मैं कहना चाहूंगा इसके लिए कुछ कह दे क्या कि महफिल में बैठे लड़कों से आंखें लड़ाना छोड़ दो। अच्छा सुन रही है, हां जी, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आइए। आप लोग भी जरा गौर फरमाइएगा कि महफिल में बैठे लड़कों से आंखें लड़ाना छोड़ दो, और कुछ कहें छिप छिप के घर में पड़ोसियों को बुलाना छोड़ दो। हाँ अच्छा, गलत कर रहे, इतना खुश हो गया, यही तो मर्द का पावर है। का हो ठीक है, सुनिए देख लो, हम भी लेके रखे हुए हैं। का कहो ना तने है ना, या तो जूनियर तुम मुझको मेरे हाल पे छोड़ दो। अच्छा, या तो जूनियर तुम मुझको मेरे हाल पे छोड़ दो, या देखे जो कोई और तो तुम उसका सर फोड़ दो। देख लीजिए भैया, हम कभी सर फोड़ सकते हैं? आप मेरा भाई है कि नहीं है? भाई है, तुरंत पार्टी बदल लेते हैं। भाई भाई में क्यों झगड़ा करवाती हो? गलत कर रहे हैं कि भाई भाई में क्यों झगड़ा करवाती हो? अरे ये मेरे भाई है ना, इधर तनी सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। भाई भाई में क्यों झगड़ा करवाती हो? ये तुम्हारा आपसी झगड़ा है, लेकिन हम लोग में मतभेद क्यों करवाती हो? गलत कर रहे हैं, हम लोग भाई हैं, भाई रहेंगे। अच्छा, एक बार जान रहे हैं? हाँ पता है भाई क्या क्या करता है। भाई कुछ नहीं करता है। क्या करता है? देखिए ठंडी है, नहीं कुछ भी कर सकते हैं भाई, समझिए रहे हैं ना। अब भाई है तो कुछ भी हो ये सकता है। अब क्या कहें हम? तिरछी निगाहों से क्यों झांकते हो तुम? अच्छा, नजर बढ़िया है ना हो? अच्छा, तिरछी निगाहों से क्यों झांकते हो तुम? अच्छा, कुछ ना होगा तुमसे, खाली हांकते हो तुम। है देख, हरे बाप रे बाप, मना हम खाली हांकते हैं, हम खाली हांकते हैं। मैं सच्चाई बताऊं, सबसे पहले तो दुई तीन को ताली बजा, वो जगरा मकई की रोटी बनवे ला बचा हुआ है। और अब देखिए जितने सारे मर्द बैठे हैं, एक बार हाथ उठा के जोरदार ताली बजाइए पहले। बुझा गया ये कहता खाली हांकते हो? तो सुनिए कि आजकल की लड़कियां प्यार करके मुकरती है, आजकल की लड़कियां प्यार करके मुकरती है, और अपने आशिक के साथ बाइक पर बैठकर दूसरों से गिफ्ट पकड़ती है। अच्छा गलत कर रहे हैं, अपने औकात के हिसाब से बॉयफ्रेंड रखती है ना। आपको भी कहेगा बाबू जानू सोना, उधर भी बाबू जानू सोना, ऐसा होता है। इसलिए कहे ना कि आजकल की लड़कियां प्यार करके मुकरती हैं और अपने आशिक के साथ बाइक पर बैठकर दूसरों से गिफ्ट पकड़ती है। एकरा मुस्कुराहट देखिए, एकर मुस्कुराहट देखिए, देख लीजिए। आप लोग दीवाना नहीं हो जाइएगा इसके मुस्कुराहट पे। हाँ पार्टी पार्टी में दबके रहिएगा। सुनिए ना, मुस्कुराते हो? हाँ मुस्कुराना तो हर लड़कियों की अदा होती है। अच्छा अच्छा, मुस्कुराना, अच्छा मुस्कुराना तो हर लड़कियों की अदा है। अच्छा, और जो इस मुस्कुराहट को प्यार समझे, अच्छा, वो सबसे बड़ा गधा है।
देखिए अब हम कह रहे हैं, हमारा डिपार्टमेंट का लोग सुन रहे हैं ना हो, ई कह रहा है मुस्कुराना तो हर लड़कियों की अदा है और जो इसे प्यार समझे वो सबसे बड़ा गधा है। तो सुनो, आज जिसे तुम गधा कह रही हो वही एक दिन तुम्हारा मांग सजाएगा। आज जिसे तुम गधा कह रही हो एक दिन वही तुम्हारा मांग सजाएगा। अपने छोटे छोटे बच्चों का अम्मा तुम्हें बनाएगा, फिर आधार कार्ड पर नाम कैसे चेंज करवाओगी? फिर आधार कार्ड पर नाम कैसे चेंज करवाओगी? तुम भी तो इसी गधा की गधी कहलाओगी। बुझा गया कितना पानी में है, इसलिए कभी मर्द से पंगा लेने का नहीं। अच्छा, गलत कर रहे हैं। सुनिए, ना फरहाज ना मजनू ना रांझा कहलाते, ना फरहाज ना मजनू ना रांझा कहलाते। अच्छा, अगर हम लड़कियां नहीं होते तो तुम लड़के कहाँ जाते? ये गड़बड़े भांज है ना हो, ये लड़कियां नहीं होते तो हम लड़के कहाँ जाते? इधर आइए कि कभी थर्रा कभी भिस्की कभी सुल्फी लगाते, है ना? कभी थर्रा कभी विस्की कभी सुल्फी लगाते, तुम लड़कियां नहीं होती तो कपड़े फाड़ के जंगल पहुंच जाते। सही कहे ना? हाँ, कहिए ना, और पूछो, आपको बुझाइए जाएगा कि आज पल्ला पड़ा है ना हो। मेरी जवानी भी क्या जवानी है, अच्छा, जैसे दिल्ली राजधानी। ओ हो हो हो। मेरी जवानी भी क्या जवानी है, अच्छा, जैसे दिल्ली राजधानी है। अच्छा अच्छा। अरे देख के तुम्हें सारा मोहल्ला। अच्छा अच्छा। ओ देख लो, एकर जवानी भी क्या जवानी है जैसे दिल्ली राजधानी है ना, इसका जवानी भी क्या जवानी है जैसे। अरे आप लोग बोलिए, खाली मोबाइल में वीडियो बना रहे हैं। बड़े बड़े भैया लोग हमारे मुकेश म्यूजिक सेंटर, जहां से कि आप सबका यूट्यूब पे आप देखते होंगे, छैला बिहारी से लेकर के हर स्टार का वो भी चैनल आपके यहां लगा हुआ है, तीन चार चैनल लगा हुआ है यूट्यूब पे, हमेशा के लिए वीडियो अपलोड हो जाएगा। तभी बनाने से क्या फायदा है, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। हाँ, तो आप कुछ कह रहे हैं? मेरी जवानी भी क्या जवानी है जैसे दिल्ली राजधानी है। अच्छा, वो तो हमको भी। मेरी जवानी भी क्या जवानी है जैसे दिल्ली राजधानी है। अच्छा, अरे हजारों डूब गए इस हुस्न के समंदर में। अच्छा अच्छा। अरे हजारों डूब गए इस हुस्न के समंदर में। अच्छा। लेकिन कोई पता ना लगा सके इसमें कितना पानी है, कितना पानी है। सही है, कह रहा है नहीं। अच्छा, ईमानदारी से जिसका जिसका गर्ल फ्रेंड है तनी हाथ उठाइए। अरे बाप, सबसे मत उठाइएगा, सबका नंबर लेंगे और कल से सबका पत्ती काटेंगे। नहीं नहीं नहीं, अरे मत भाई, ये बोली नहीं है भाई। अच्छा, आप लोग मेरा भाई है कि नहीं है? तो आपके गर्ल फ्रेंड से ही लोग को खतरा होता है और किसी से नहीं होता। अरे सुनिए ना, आप भाई है कि नहीं? तो आपके गर्ल फ्रेंड से हम बात करेंगे, आप फीलिंग कर लीजिएगा। फीलिंग करने में कोई पैसा लगता है मुकेश भैया? पैसा लगता है फीलिंग करने में? तो नंबरवा दे दीजिएगा तो क्या हो जाएगा। अभी कह रहे थे कि इसकी जवानी दिल्ली राजधानी है, देखिएगा तने बच के ट्रेन नहीं चल जाए। तो हम कहना चाहेंगे कोनो गलत कर रहे भाई लोग, जवान है कहीं अगरबत्ती खोज देते हैं का हो। हम कहना चाहेंगे कि ईमान से मांगो तो ईमान दे दू। जरा गौर फरमाइएगा, अगर हम सारी बोलते तो हमको भी लगता है हम भी पढ़े लिखे हैं। नहीं, तो हम भोजपुरी बोलते हैं, हिंदी कहाँ से कहते हैं? लगता ही है, बाकी है नहीं, लेकिन लगता है। अच्छा भैया, सौम्या खूबसूरत है ना, अच्छी लग रही है। कहना चाहेंगे क्या जानते हैं इसके लिए कि ईमान से मांगो तो ईमान दे दूं। जरा गौर फरमाइएगा, गमछा वाले गगन भैया, मैं आपके तरफ से कहना चाहूंगा कि ईमान से मांगो तो ईमान दे दूं और अपने घर का सारा सामान दे दूं। आप समझिएगा कि मैं ही कह रहा हूं कि ईमान से मांगो तो ईमान दे दूं, मैं अपने घर का सारा सामान दे दूं। ये बिल्ली इतनी सुंदर है कि अगर मेरे घर आ जाएगी तो मेरे सारे मोहल्ला कहेंगे बिल्लो रानी कहो तो अभी जान दे दूं, अभी जान दे दूं। क्या बात है, फिदा हो गई आपके अदा पे। हम फिदा हो गए, अब तो प्यार आने लगा है और मैं चाहती हूँ कि मैं प्यार वाला ही शायरी बोलिए, तकरार से कुछ होने वाला नहीं है। कहिए ना, अब समेटने में ही फायदा है। प्यार वाला शायरी कहिए ना, बुझाइए जाएगा, हम भी नहीं छोड़ने वाले हैं। सही में प्यार आ गया, क्या करें, प्यार आ गया।
दीवाने हैं तेरे इस बात का इनकार नहीं। अच्छा 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 दीवाने हैं तेरे इस बात का इनकार नहीं। अच्छा अच्छा कैसे कह दे कि तुमसे प्यार है। हाँ प्यार हो गया इसको हमसे। दीवाने हैं तेरे इस बात का इनकार नहीं। कैसे कह दे कि तुमसे प्यार नहीं। अच्छा अच्छा कुछ तो कसूर है आपकी आंखों का। अच्छा अच्छा कुछ तो कसूर है आपकी आंखों का। अच्छा अच्छा वरना अकेले हम गुनहगार हैं। मैं कहना चाहूंगा कि अगर आज की शाम इतनी सुहानी ना होती तो हर चाहत के पीछे कोई कहानी ना होती। अगर आज की शाम इतनी सुहानी ना होती तो हर चाहत के पीछे कोई कहानी ना होती। कुछ तो असर जरूर है प्यार में। गलत कर रहे हैं कि कुछ तो असर जरूर है प्यार में वरना गोरी राधा सांवले श्याम की दीवानी ना होती। श्यामले श्याम की दीवानी ना होती। आपको प्यार हो गया लेकिन आपको नहीं होता तो हम जबरदस्ती आपसे प्यार कर लेते हैं क्योंकि हम लड़कों का आदत है कमीना वाला का। एगो नहीं पटा तो दूसरा पे ट्राई करेंगे लेकिन जबरदस्ती करेंगे का हो। हम प्रोग्राम के बाद पता चला पिटाई वो करेंगे। ना ना पिटने वाले भी आए हैं। जिस प्यार में नहीं पिटाया वो प्यार थोड़े होता है कि आज मौसम की अजीब बात है ना। इतनी सुंदर सजा है महफिल। ये कहना चाहूंगा कि आज मौसम की अलग ही बात है। बेकाबू सा ख्यालात है। आज मौसम में कुछ अलग ही बात है। बेकाबू सा मेरे ख्यालात है। दिल करता है कि आपको आप ही से चुरा लूं। दिल करता है कि आपको आप ही से चुरा लूं लेकिन हमार माई कहता है चोरी करना गलत बात है। सही कह रहे हैं। हम लड़के ईमानदार होते हैं। प्यारो करते हैं तो जबरदस्ती करते हैं। चोरी करके नहीं करते हैं। क्या हो इतना डायलॉग मारने का इसमें जरूरी क्या था। आप चुपचाप कान में भी बोल सकते थे। मैं कान में कैसे। हमारे भाई लोग हैं शादी ब्याह चुपचाप होता है। हमारे भाई लोग हैं सबको जना के करेंगे ना। का हो घोंघटो सब दे देगा। आपको बुझा रहा है कि झांसी की रानी लोग शांत हो गई है। बुझ रहा है अब रोटी पकने वाला नहीं है। शांत है। बुझा गया उन लोग का खाली थपरी किचन में चल सकता है या नहीं। का हो एक बार मर्द वाला ताली बजाइए ना हो। बुझा गया शांत हो गए। अच्छा एक बात बताइए ना। इधर आके बोलिए ना। बोलिए ना जब औरत किचन में नहीं जाएगी ना। अच्छा तो पता चलेगा कल से मर्द रोटी बेलेगा। औरत जाएगी कमाने। मर्द कहियो रोटी नहीं बेलेगा। का हो भूखले मरेंगे और क्या। ऐसा नौबत कभी मर्द को नहीं आ सकता है समझे। हाँ इसलिए कि मर्द जानता है होटल देख लीजिए भाई जी ये भी होना चाहिए कि तेरे संग कभी नहीं जाऊंगा होटल तो वीडियो बना के कर दोगी वायरल। इसको जानते हैं यही मर्द का शान समझे। डोराडोरो बेच के खिला लेता है पत्नी को। गलत कर रहे हैं हम। जो भी बोलेंगे सही है बोलेंगे। सही बोलते हैं ना। हमारे भाई लोग जानते हैं क्या कहते हैं कि प्यार हो चाहे हो लेकिन वो कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। मतलब समझ रहे हैं कि लड़की नहीं पट रही तक ट्राई करते रहिए। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक करना बैठ ऐ प्यार की मुसाफिर मंजिल भी आएगा और मिलने का मजा भी आएगा।